हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, टाइप वन बताए थे, एक्सरसाइज 8.3 का ही चल रहा था। उसमें जो क्वेश्चन आपको बोल थे कि टाइप टू आपको बताएंगे, वो हमारा टाइप टू ये है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये है, साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू कोस 30 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ है साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू कोस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए थीटा का वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक है, आप बना सकते हैं क्या इसको। तो चलो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बिल्कुल आपको टाइप वन में जो मेथड बताए हैं वही यहाँ पर भी लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि किसी एक को चेंज करेंगे तो बेटर होगा कि हम इसी को चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं साइन में। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। आपको याद होगा कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कोस थीटा इक्वल टू होती है साइन 90 माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कोस के जगह पर हम लिख देंगे साइन 90 और थीटा के जगह पर ये। ठीक है, लिख दिए। अब ये जो हमारा साइन और साइन था ये तो हो गया कैंसिल, बचेगा अंदर में ये और यहाँ पर हो जाएगा 60। अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि 60 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा 40 डिग्री। ये हमारा आंसर। बताओ कैसा लगा, है इजी। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बदल दे तो भी बन जाएगा। अब आपके लिए एक और बता रहे हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे जो आपको खुद से बनाना होगा, क्योंकि सभी के सभी हम ही बताएंगे तो आप सीखेंगे क्या। इसीलिए आप भी बनाइए और सीखिए, रटना नहीं है, सीखना है। सीखोगे जितना उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वही लैंग्वेज है। तो आपको अगर इसको मिटाते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन है जैसे कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा। बताओ इसमें भी थीटा निकालना है, इसमें भी थीटा निकालना है, और ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब ये नहीं रहा, अब हमारा ये हो गया। तो सेम टू सेम है कि नहीं, ये आपके लिए है, सेम टू सेम है। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होती है तो जरूर पूछिएगा। हाँ,